तो अब भारत ने मालदीव को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत मालदीव को ऐसा सबक सिखाने वाला है जिससे मालदीव दसियों साल तक नहीं उभर पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चीन की भी पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। भारत ने इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े कदम से की है और भारत की यह तैयारी मालदीव की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले जैसे ही मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू हुए हैं, उन्होंने भारत के सभी सैनिकों को निकालने का दांव दिखाना शुरू कर दिया है और मालदीव जो अभी तक अकड़ रहा था और उनको भारत के 77 सैनिक भारी पड़ रहे थे, अब उन गलती की भरपाई खुद मालदीव करने वाला है। फिलहाल जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो मालदीव के राष्ट्रपति चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत सबसे नजदीकी देश है और भारत से किसी भी मदद की मालदीव गुहार नहीं लगा रहा है। और मालदीव की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत ने ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे मालदीव समेत चीन और तुर्की की भी अर्थव्यवस्था पर काफी भारी असर पड़ने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत तुर्की से काफी सारी महंगी चीज आयात करता है, जिससे तुर्की को काफी ज्यादा फायदा होता है, जिनमें ज्वेलरी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल शामिल होते हैं। और अगर तुर्की मालदीव की मदद करता है तो भारत तुर्की से इंपोर्ट होने वाले सामानों को किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करेगा। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल मेन खबर यह है कि जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति थे तब तक भारत और मालदीव का रिलेशन काफी अच्छा था, लेकिन अब की बार चुनाव में जब से नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हुए हैं तो उन्होंने भारतीय सैनिक को वहां से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल देखा जाए तो इन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 77 सैनिक ऐसे हैं जो मालदीव में रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत मालदीव की इन हरकतों का जवाब अच्छे से देने वाला है। आपको बता दें कि मालदीव की ज्यादातर अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर से बनती है, क्योंकि मालदीव में ज्यादातर लोग घूमने के लिए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो मालदीव भारत से सबसे ज्यादा निकट है, इसीलिए भारत के ज्यादातर टूरिज्म मालदीव घूमने जाते हैं, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मालदीव की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर पर टिकी हुई है, और वह भी केवल भारत के बलबूते। यही नहीं, अगर मालदीव को किसी भी मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां से सबसे पहले मालदीव को मदद पहुंचाई जा सकती है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मालदीव भारत से सबसे ज्यादा नजदीक है। खैर, इसके पास में श्रीलंका भी है, लेकिन उसकी दूरी भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, और श्रीलंका से भी मालदीव के रिलेशन अच्छे नहीं है, जिससे श्रीलंका भी मालदीव को किसी विकट परिस्थिति में मदद नहीं करने वाला है। दरअसल हुआ यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप में टूरिज्म के रूप में गए थे, जहां पर वे लक्षद्वीप के नए नए लोगों से मिलते हैं और वहां के सौंदर्य का आनंद लेते हैं। यानी कुल मिलाकर यह सारी चीज मालदीव के विरुद्ध की जा रही है। मतलब यह है कि लक्षद्वीप भी मालदीव से कई गुना ज्यादा सुंदर जगह है जहां पर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है। और देखा जाए तो इसकी दूरी मालदीव से कई गुना कम है, जहां पर मालदीव की अपेक्षा कम खर्चे में टूरिस्ट आ जा सकते हैं। अब जब टूरिज्म मालदीव जाने की बजाय लक्षद्वीप के दौरे पर जाने लगेंगे तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। अगर देखा जाए तो अभी भी मालदीव अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ है और वह तुर्की और चीन से कर्जा मांग रहा है, जिससे वह अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रख सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत तुर्की को खाने पीने की वस्तुओं के अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स सप्लाई करता है, और जब मालदीव तुर्की से हाथ मिला रहा है तो भारत इससे काफी ज्यादा नाराज है, और भारत आने वाले समय में तुर्की को भी सप्लाई बंद कर सकता है, क्योंकि भारत को तुर्की के अलावा कई सारे देश का फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर भारत को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए
तुर्की सारे सेक्टर में मालदीव की मदद करता भी है, तो भी मालदीव को इंपोर्ट के लिए ज्यादा कास्ट चुकानी होगी, क्योंकि मालदीव की दूरी भारत की अपेक्षा तुर्की से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर भारत में मालदीव से होने वाले इंपोर्ट की बात की जाए, तो भारत मालदीव से केवल कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत कच्चा तेल इंपोर्ट के लिए केवल मालदीव के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि भारत ऑलरेडी कई सारे देशों के साथ तेल इंपोर्ट के लिए FDA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसमें रसिया, कतर, सऊदी अरब, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल है। वैसे ये देश क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए भारत को डिस्काउंट पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब भारत ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत के अलावा भी दुनिया के कई देशों में कच्चे तेल की डिमांड कम होती चली जा रही है। अगर आप देखें तो पहले मालदीव लगभग पूरी तरह भारत पर डिपेंड हुआ करता था, लेकिन अब मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है और इसकी अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए भारत की तैयारी पूरी तरह से पीक पर है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या इससे मालदीव वाकई में ठिकाने लगने वाला है या नहीं, और भारत के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।